हमीरपुर में डीआरडीए के भवन के समीप बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। घटना 12:30 बजे की है, जब ट्रांसफार्मर में आग लगने से लाखों रुपए का बिजली विभाग का नुकसान हुआ है। सूचना अग्निशमन विभाग हमीरपुर को मिली और आग पर काबू पाया। आग लगने पर बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बिजली बंद की। मिनी सचिवालय के सभी कर्मचारियों व अधिकारियों में आग लगने पर खलबली मच गई। पुलिस प्रशासन की ओर से थाना प्रभारी संजीव गौतम भी मौके पर पहुंच गए। ट्रैफिक प्रभारी पाल सिंह चंदेल भी मौके पर पहुंच गए और आग की घटना का जायजा लिया और आग पर काबू पाया। क्या हो गया?